SMB Connect, India's largest integrated solution platform which connects SMEs and entrepreneurs across the nation. Despite several government initiatives and programs, Indian entrepreneurs and SMEs are still facing many challenges. Our mission is to help them overcome those by acting as a catalyst in propelling business growth, promoting innovation, technological advancement and digitalization, and making them successful global players. We have devised 5 pillars to stimulate productivity and growth of SMEs. Start, Manage, Expand series, annual knowledge event series organized concurrently in different cities of India, Advaita, to recognize and celebrate women entrepreneurs of India. Accelerate, entrepreneur awards to honor excellent and accelerating businesses. Listing services, provide a platform to expand digital footprint and customer outreach. Advisory services, help SMEs deal with industry-specific challenges and accelerate growth. Nationally recognized and well-acclaimed in India, SMB Connect is an industry pioneer that supports SMEs. By providing strategic and innovative end-to-end solutions, together let's help small businesses overcome all odds and succeed, because small can be big. नमस्कार, आज के इस वेबिनार प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम संदीपन है, मैं SMB कनेक्ट से जुड़ा हुआ हूं और ये हमें बड़ी खुशी है कि हम ये वेबिनार होस्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेटेड बॉक्स एसोसिएशन और हिमाचल लघु उद्योग के लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो मिनट दूंगा आप लोगों को SMB कनेक्ट के बारे में बताने के लिए। हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्रॉस इंडिया काफ़ी नॉलेज वेबिनार्स, नॉलेज सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करती हैं SME के लिए। पिछले 5-7 सालों में हमने पूरे भारत में करीब 100 से ऊपर इवेंट्स करे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करे हैं, जहाँ पर हमने बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी, HR, मार्केटिंग के ऊपर हमने कुछ जो उनकी समस्याएं हैं उस पर विचार किए हैं इस कॉन्फ्रेंसेस में। और आजकल हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका नाम है लोकल एंड वोकल ऑनलाइन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के जो उन्होंने एक नारा दिया था उसके ऊपर हमने इसको प्लान किया है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट, आपका लोकल प्रोडक्ट है, उसको आप ग्लोबली बताना चाहते हैं तो इसको एक हमारी वेबसाइट पे जाके इसको लिस्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है localandvocal.online, आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ये फ्री लिस्टिंग है, अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और इसको हम फिर ग्लोबली पूरे सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में इसको प्रमोट करेंगे ताकि आपको बिजनेस का बेनिफिट हो सके। ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है और बाकी लोग करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे दे कैन इजीली डू इट। सेल्फ मोड में है ये, कोई किसी के हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खाली वेबसाइट में लॉग इन कीजिए और एक स्टार्टेड जाके कर लीजिए। मल्टीपल कैटेगरीज में आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग हो सकती है, जैसे आपके देख रहे हैं। तो एक छोटी सी जानकारी मेरे को आप लोगों को देनी थी, अब मैं ये प्रोग्राम को हैंडल करने आगे ले जाने के लिए इसको मिस्टर राज पाठक को आमंत्रित करता हूँ, हु कैन मॉडरेट दिस सेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। थैंक यू। धन्यवाद संदीपन, आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है। रिचार्ज मैन माइंड एंड बिजनेस, ये वेबिनार हमारे साथी लोग आपके राजीव कंसल जी, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती हिमाचल एंड प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ HPCBMA सुरेंद्र जैन जी, इन दोनों की कोशिशों के कारण हम ये वेबिनार कर पा रहे हैं। इन दोनों ने काफी हफ्ते 10 दिन हमारे साथ में इसके लिए काफी विचार विमर्श किया है, वेबिनार के लिए पूरी कोशिश की है कि हम इसको एक आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके। संजय नागी जी को आप देख रहे होंगे, 35 साल से ये MSME इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं
आज की डेट में आईआईटी रुड़की के नाम से जाने वाले इंस्टीट्यूट से ये इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 83 में किया था और लगभग 20-25 साल से मैं ही इनको जानता हूँ। इन्होंने कितनी कॉर्पोरेट्स को, कितने एसएमईज को और कितने स्टार्टअप्स को सक्सेसफुली एक स्ट्रेटजिकली देकर के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है। बहुत व्यस्त रहते हैं ये, पूरे हफ्ते बिजी थे हमारे रिक्वेस्ट पे। जब मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो इन्होंने संडे का टाइम निकाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस सेशन के पीछे क्या मकसद है, क्या प्रयास है, इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजीव कंसल जी से कि वो 2 मिनट अपने विचार रखें और फिर हम संजय नागी जी का प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। मैं इसके बीच में ये बताना चाहूंगा कि जब संजय नागी जी का प्रेजेंटेशन चल रहा होगा, ऑर्गेनाइजर से एक चैट बॉक्स खोल देंगे, उस चैट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन सही लगेंगे, मैं जब संजय नागी जी का प्रेजेंटेशन खत्म होगा हम बारी बारी से कुछ वो क्वेश्चन लेंगे और उसके अंत में सुरेंद्र जैन जी अपना थैंक यू नोट देंगे और तब हम इस इवेंट को कंक्लूड करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजीव कंसल जी से कि अपने शब्द रखें। धन्यवाद राजीव। अभी मेरे उद्यमी भाइयों को साथ में जुड़ने का बहुत बहुत नमस्कार। आज इस प्रोग्राम का जो मैंने टाइटल रखा है, नई दिशा नई राह। जैसे कि मालूम है कि हमारे COVID-19 के बाद छोटे लघु उद्यमी काफी परेशान हुए, तो मैंने एक स्टेट की मीटिंग बिठाई कि जो हमारे छोटे लघु उद्यमी हैं उनको मार्केटिंग की, पेमेंट की, स्टॉक की, रॉ मटेरियल की, लिक्विडिटी की बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि एक तरह से उन लोगों का माइंड थोड़ा सा अपसेट हो रहा था कि अब हम फैक्ट्री में जाकर के करें तो क्या करें। तो इस पे फिर हमने जब बैठ के चर्चा की तो मैंने सुरेंद्र जैन जी को कहा कि क्यों नहीं हम कोई एक अच्छा मोटिवेशन जो है हमारे साथ जुड़े, जो हम लोगों को, छोटे उद्योगों वालों को एक मोटिवेशन करें कि हम अपने उद्योग को COVID-19 से उभरने के लिए कैसे दोबारा से हम आत्मनिर्भर बने। तो उस दिशा में मैंने सुरेंद्र जैन जी का एक ड्यूटी लगाई कि आप इस चीज को सक्षम है और आप काफी चीज में नॉलेज भी रखते हैं, आप ऐसे किसी एक ग्रुप के साथ जुड़कर करके जो लघु उद्योग भारती को, एचपीसी ग्रुप के उद्यमियों को एक नई दिशा और नई राह दे तो एक कार्यक्रम क्यों ना किया जाए। सुरेंद्र जैन जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि मैं इसके काम को करता हूँ। तो उन्होंने आपके साथ, राजी और संजय नेगी जी के साथ काफी विचार विमर्श कर करके जब उन्होंने कहा कि मेरी बात हो गई है, इस प्रोग्राम को हम संडे को करते हैं, तो हमारे लिए मेरे ख्याल से एक नई दिशा नई राह आप हमारे को देंगे कि हम कैसे छोटे उद्यमी आज की परिस्थिति में COVID-19 के साथ कैसे उभर करके दोबारा से हम अपने उद्योग चलाएंगे और दोबारा से हम अपने उद्योगों को कैसे पटरी पे लाएंगे और अपना हम अपना कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे दोबारा। तो इस दिशा में आप हमें नई दिशा कहा देंगे ताकि हम आप समझते हैं आपसे। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे को दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, तो मैं आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लघु उद्योग भारती की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप हमें एक नई दिशा और नई राह दिखाई। धन्यवाद राजीव कंसल जी। नाउ मैं संजय नागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सेशन शुरू करें। अब मेरा आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट होगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि इससे हमारे जो उद्यमी भाई हैं ज्यादा अच्छे से इसको सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। संजय नागी भाई नमस्कार। उद्यमी भाइयों, सबसे पहले मैं ये वेबिनार जो है ये आपके लिए है और मैं कंसल जी और जैन साहब का और राज और संदीपन का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच में होने का। आज वो बात तो नहीं होती है कि जब हम एक दूसरे का चेहरा देख सकें और वाइब्रेशन देख सकें जो एक पर्सनल उसमें होती है, पर फिर भी इस माध्यम से एक आप लोगों को एक प्रैक्टिकल आइडिया मिले और आपको एक जिंदगी भर का टूल मिल जाए हर सिचुएशन में निपटने का। कोविड एक स्टेप है, ये मेरी कोशिश रहेगी। और हम जिस संदर्भ में मिल रहे हैं वो एक सेकंड में अपनी स्लाइड्स को ठीक कर लूं।
इसका जो टॉपिक है रिचार्ज, रिचार्ज मतलब हमारे बीच में वो है, वो शक्ति हमारे में है, उसको हमें रिचार्ज करना है। और हम जिस संदर्भ में मिल रहे हैं वो सबसे पहले कोविड तो है ही, बट उससे पहले भी हम लोग जितने उद्यमी भाई हैं, और मैं भी एक एमएसएमई यूनिट चलाता हूं, हाँ मैं इसी सेक्टर में हूं, मैं एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल ट्रेनर नहीं हूं, मेरी कंपनी है 18 साल हो जाएंगे 6 जून को, और हम कंसल्टिंग सर्विसेज में हैं, और मेरे पास 32 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, और मुझे भी अपने उद्यम के बारे में सोचना है, आप लोगों को भी सोचना है। तो हम लोग सब एक कॉमन गोल में आए हैं, जब स्लो डाउन भी था, उसके बाद कोविड डिस्ट्रप्शन हो गया, पूरा सप्लाई चेन टूट गया, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, कब क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा, फिर कोई केस निकलेगा, फिर बंद होगा, क्या अनसर्टेनिटी बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे जो चैलेंज है वो एक सीमित नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है कि हमें लोन करना है या हमें अपनी ईएमआई कैसे भरेंगे, साथ में लेबर का इशू आ गया है, साथ में पुराने ड्यूज का इशू आ गया है, साथ में कंप्लायंस का इशू आ गया है, साथ में अपनी सप्लाई चेन को सेट करने का इशू आ गया है। पर आप दोनों एसोसिएशंस बहुत लकी हो, मैं समझता हूं कि आपके कम से कम डिमांड नहीं टूटी है, कॉरोगेटेड बॉक्सेस की डिमांड और फार्मा की डिमांड तो अप है ही है, और ये बहुत अच्छा सिचुएशन है आपके लिए कि आपको जो लड़ाई लड़नी है, जो मल्टीलेयर्ड लड़ाई लड़नी है, लेबर की भी, फाइनेंस की भी, पास ड्यूज की भी, जीएसटी की भी, इन सब के कंटेक्स्ट में कम से कम एक आपका पैग जो है तो डिमांड का। कई जगह मैं जाता हूं तो वहां लोग बताते हैं कि उनकी तो पूरी डिमांड ही छूट गई। मैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में पूरे देश भर में काम कर रहा हूँ, ईपीसीएच जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, तो उसमें जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ इटली में काम कर रहे थे चार उसमें से, और अब वो कस्टमर ही नहीं है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे उनसे, तो उनकी डिमांड ही खत्म हो गई, उनको और कोई तरीका आता ही नहीं, उन्होंने इटालियन लोग अपने ट्रेन कर रखे हैं इटालियन बात करने में। तो ये चैलेंजेस जो है सबके ऊपर है, और इस संदर्भ में हम जब बात कर रहे हैं तो हम आज के सेशन को हम एक एक्सपेक्टेशन समझ लें कि मैं कोई एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देने वाला हूं कि आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम आप ये ऐसे करो, वो बहुत टैक्टिकल होगा। मैं आपका जो माइंड है, मैं माइंड को ओपन करना चाह रहा हूं कि एक तरीका देना चाह रहा हूं जो जिंदगी भर आपके साथ रहे और आपको एक पाथवे टू ग्रोथ मिले। तो मेरी 4-5 स्लाइड्स आपके माइंड के ऊपर हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देंगे, और फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है महाभारत। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, और जब 71 का वॉर हुआ था तो 71 के वॉर में वो हमारे से एक साल दूर चले गए थे, वो थाने चले गए थे और हम लोग पूना में थे, और उस समय हमारे पास किताबें थी सी राजगोपालाचारी की, तो वो महाभारत की किताब मैंने कम से कम नहीं तो मैंने 50 बार तो उन्हीं पढ़ी थी, और उसके बाद पता नहीं कितनी बार और पढ़ी महाभारत की। और आप लोग भी, आजकल तो सीरियल भी चल रहा है और आप लोगों ने भी महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, तो ये कहानी महाभारत की है कि जब वनवास हो गया था इन पांडवों का, तो ये सब लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, मायूस थे बैठे हुए थे, और ऐसा ही कुछ मोटिवेशन नहीं था, कुछ परेशान थे, कुछ ब्रूडिंग कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक दिन कृष्ण जी उनके पास आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या करें, तो क्या करें, तो परेशानी है, टाइम पास करना है, क्या करें हम, ताकि आपको ये मालूम है कि जब ये वनवास खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे। तो सब पांडवों ने इकट्ठे बोला, हाँ हमें मालूम है, हम तो लड़ाई करेंगे और अपना जो हक है हम अपना हक लेके रहेंगे इनसे। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने उनको बोला कि जब आपको ये मालूम है कि आपको क्या करना है, आपका गोल आपको मालूम है, तो आज ऐसे फिर क्यों बैठे हो और क्यों मायूस हो रहे, आप जाओ अपना काम करो, अपना काम करो, रिजल्ट आएंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद पांडव लोग मोटिवेट हो गए,
उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम अपने अस्त्र शस्त्र और जो हमारा चीज है हम उसको रेडी रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने उनकी लड़ाई लड़नी है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस कहानी में, तो वो सबसे पहले एक ये संदर्भ आता है एक कि हमें एक निरंतर अपना कर्म करना ही है, इसमें हमें दिमाग के ऊपर जोर ना डाल के और दिमाग की वरी को हटा के और फ्यूचर के बारे में ना सोच के हमें अपना जो आज का कर्म है लिव इन द मोमेंट, इसको आज करना ही करना है। एक छोटी सी कहानी थी इस पे, एक दूसरी कहानी बताता हूं आपको। कड़ी धूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, कि कड़ी धूप में एक आदमी एक मूर्ति बना रहा था पत्थर की। तो जैन साहब वहां से निकले, जैन साहब ने उनसे पूछा कि भाई भाई साहब आप क्या कर रहे हो। उसने बहुत गुस्से में आके उसने कहा, अरे देख नहीं रहे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। तो जैन साहब आगे चले गए, आगे उन्होंने देखा उतनी ही कड़ी धूप थी, उतनी ही एटमोस्फियर थी, और दूसरा आदमी भी सेम मूर्ति टाइप का वो बना रहा था। तो उसने भाई साहब जैन साहब मैं जैन साहब हूं, मैं आप बताइए मेरे को कि आप क्या कर रहे हैं। अरे देख नहीं भैया, रोज ही रोटी कमा रहे हैं। तो जैन साहब थोड़ा सा और आगे निकल गए, तो वहां उन्होंने तीसरा आदमी देखा, वो भी सेम मूर्ति बना रहा था, सेम धूप थी, सेम उसके उसके चेहरे पे बड़ी स्माइल थी। तो जैन साहब ने उससे इंक्विजिटिव हो गए कि जैन साहब की ऐसा क्यों, ये तो वही काम कर रहा है। उन्होंने पूछा कि साहब आप क्या कर रहे हो। अरे देख नहीं रहे हो जैन साहब, मैं तो भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। तो अब देखिए तीनों लोग, तीनों का एटमोस्फियर सेम है, तीनों की उतनी ही धूप है, तीनों की उतनी ही परिश्रम है, तीनों की उतनी ही कला है, तीनों उतने ही धूप में अपना मेहनत पसीना लगा रहे हैं, पर फर्क क्या आ गया इन तीनों में, फर्क आ गया एटीट्यूड का। और एक बंदा सोच रहा है कि मैं अपनी रोटी कमा रहा हूं, एक बंदा को खुंदा कर रही कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, और तीसरे को लग रहा है कि भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। काम सब लोग वही कर रहे हैं, और हम सब भी उद्यम जो लोग हैं हम सब काम वही कर रहे हैं। हम एटीट्यूड क्या ला रहे हैं अपने काम की तरफ, हम अगर इस स्लाइड से अगर हम वो ये याद रखें कि यार वो नागी जी ने एक पत्थर की कहानी बोली थी, तो हम एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, तो ये एक बहुत बड़ी अपने लिए इट विल बी अ फेवर फॉर आवरसेल्व्स, मतलब इट विल, ये इसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारा होगा, आगे दुनिया के लिए तो होगा ही। तीसरी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमारे हेल्थ के, क्योंकि जब हम माइंड से काम कर रहे हैं तो हमें अपने जो हेल्थ के डायमेंशन हैं इनको हमें समझ लेना चाहिए, और ये बहुत अहम लेसन है सबके लिए। बहुत पहले की बात है साहब, मैं 26 साल का था तो मेरे को ब्रेन फीवर हो गया था जब मैं बड़ौदा में पोस्टेड था, और मैं 19 कोमा में था। तो मैं जो कह रहा हूं मैं अपनी लाइफ स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, पर मैं कैसे निकला उसमें से, ये मैंने, ये डायग्राम मेरा 86 का बना हुआ है ये, और मैंने जिंदगी में पता नहीं कितनी बार इसको यूज किया है। सबसे पहले हेल्थ का डायमेंशन होता है फिजिकल, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आपका विवेक इंटेलेक्चुअल, फिर इमोशनल, और बाद में स्पिरिचुअल। अभी देखिए एक क्या होता है कि किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो उसका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, पर अब वो सोचने लगता है कि यार मेरा तो पैर खराब हो गया, मैं तो कभी नहीं चल पाऊंगा, मेरी जिंदगी हराम हो गई है, भगवान बहुत दोषी है, मैंने तो बहुत पूरा पूजा करी, मैंने तो बहुत तपस्या करी, ये वो, और वो क्या करता है, एक फिजिकल प्रॉब्लम को अपनी इमोशनल प्रॉब्लम बना देता है, इमोशनल से स्पिरिचुअल बना देता है, उसके बाद उसका विवेक छूट जाता है और वो काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो ये जो हेल्थ के डायमेंशंस हैं, ये इनको कैसे हमें इंसुलेट करना है कि एक फिजिकल प्रॉब्लम को, एक फ्रैक्चर को हम फ्रैक्चर ही रहने दें, उसको इमोशनल प्रॉब्लम ना बनाएं अपनी। और दूसरा, अगर हमें किसी चीज को सुधारना भी है तो हम अपने उसको आइसोलेशन को खत्म करें, और सुधार को हम अपने इमोशनल लेवल से हम अपनी फिजिकल उसको भी
हम कैसे सुधार पाए। अभी कोविड की प्रॉब्लम सबके लिए सेम है। अब सब लोग, हमने जैसे देखा, सब लोग पहली स्लाइड तो सब लोग मेहनत कर ही रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं, बट हमने दूसरी स्लाइड में देखा कि सब लोग एक अलग अलग एटीट्यूड से काम कर रहे हैं। कोई एक मायूस एटीट्यूड है, कोई गुस्से का एटीट्यूड है, कोई एक एवोल्यूशन का एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं आपको खाली इस पे छोड़ दूं और आपको बोलूं आप ये एटीट्यूड सुधार लो अपना, और आप सब लोग सोचो कि आप मंदिर बना रहे हो और भगवान की मूर्ति बना रहे हो, तो अपने को एक रास्ता नहीं मिलता। तो रास्ते के लिए हमें ये स्लाइड देखनी पड़ेगी कि हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारा विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंड फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर हम इमोशनली इस समय डिस्टर्ब्ड हैं और हमारे पास कोई लेबर आया और हमने उसको अपनी इमोशनल कंटेक्स्ट में हमने उसको और झड़प दिया, वो कल का सोचते यार यहाँ काम करूं या ना करूं, वो और हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो हमारा जो इमोशनल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये इमोशनल कंटेक्स्ट होता है कि इमोशनल कंटेक्स्ट जब डिस्टर्ब्ड है, परेशानी है, फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, लगे हुए हैं, कोई बहुत टाइम तक एफर्ट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब होता है। जब इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब होता है तो हम अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मैं आपको बता रहा हूं फिर भी वो दिखता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड भले ही राइट वर्ड्स यूज कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है लोगों को, और लोगों को दिख रहा है यार ये मालिक ही परेशान है। तो ये चीज जो है अपने कॉन्शियस माइंड को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप यूज करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करेंगे कि मेरा सब कुछ सही है, मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं सही चल रहा हूं, मैं आज की मेहनत कर रहा हूं। ये आपको एक टेक्निक होती है, इसको आप लोग अगर आप में से जितने भी 100 लोग जुड़े हैं यहाँ पे, उसमें से अगर 20 लोग भी ये कर लेंगे तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझूंगा कि अगर 20 लोगों ने भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। इसका मतलब हम अपने आप को बार बार पॉजिटिव चीज बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे मैं ये प्रॉब्लम से मुक्त होना चाह रहा हूं, हम ये बोलेंगे बार बार कि मैं प्रॉब्लम से मुक्त हो गया हूं। और हम जब 10 बार इसको दिन में अपने आप को बोलेंगे, विश्वास मानिए सृष्टि का नियम भी आपके साथ जुड़ेगा और आप लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन करके, अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करके, अपने में संयम बना के, हम अपना विवेक को भी बढ़ा रहे हैं, हम अपने माइंड की शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं, हम अपने भगवान के साथ पीस में हैं और हमारी फिजिकल हेल्थ भी बढ़ रही है। वरना इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने से एकदम से डायबिटीज, एकदम से हार्ट के प्रॉब्लम्स, ये आप लोग जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं आपको कोई डराना चाहता हूं, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूं कि कभी भी आप आंखें बंद करके ये डायग्राम सोचिए अपने माइंड में और पॉजिटिव बोलिए और ये बोलिए मैं प्रॉब्लम से मुक्त हो गया हूं। दिन में 10 बार शांति से अपना बोल दीजिए, एक्चुअली मुक्त हो जाएंगे। ये मेरा अपनाया हुआ तरीका है। मैं मर चुका था साहब, मैं कोमा में 19 डेज में था और लोगों ने कहा कि अगर ये निकलेगा भी कोमा से तो ये पता नहीं क्या क्या ये इसका रह जाएगा। आज आपके सामने हूँ, ये मेरे भगवान की ग्रेस है और ये थोड़ी सी जो तपस्या मैंने करी उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल है, इसको मैं कर चुका हूँ, आप लोग भी बहुत बेनिफिट करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशन अराउंड इमोशनल स्टेट से। और आखिरी चीज जो मैं पाथवे टू ग्रोथ में बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसे मौके आते हैं, कभी भी आपके साथ कभी ट्रेजेडी हो या आप कभी परेशानी में हो या इस समय जैसे कि कोविड का माहौल हो गया है, एक फिलॉसफी कहते हैं इसको, एक जर्मन ने बनाई थी, बट इसको हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं डंडा फिलॉसफी। तो ये डंडा का सबसे पहले डी है डिनायल, और आप लोग
जब मैं बोल रहा हूँ ये चीज, आप लोग अपने पिछले 2 महीनों को थोड़ा सा रिवाइंड में चलिए और अपना देखिए कब कब आप डिनायल में रहे। डिनायल मतलब आप कह रहे हैं नहीं नहीं यार मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे को कुछ नहीं होगा, ये बाकी सब लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोविड में मेरे को परेशानी नहीं आएगी, मेरा यूनिट सही चलेगा, ये डिनायल स्टेट है। आप डिनाई कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, मना कर रहे हैं, अपने आप को ही मना कर रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप सोच रहे हैं नहीं 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 ये प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आएगी। उसके बाद आप जाते हैं एक स्टेट ऑफ एंगर में, और ये एंगर और नेगोशिएशन के बीच में जो इतना बड़ा गैप मैंने रखा है, क्योंकि हम बहुत टाइम पे, और मैं अपने आप में भी उसमें शामिल हूं और था, हम बहुत टाइम पे एंगर में रहते हैं। हम लोग जितने भी उद्यमी होते हैं ये अचीवर्स होते हैं, नहीं तो हम लोग भी नौकरी कर रहे होते कहीं, हम अचीवर्स होते हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी लोग मालिक बनते हैं, वो उनमें एक अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, तो बहुत जल्दी वो एग्रेशन में आ जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, तो कभी कोविड का गुस्सा, कभी म्युनिसिपैलिटी का गुस्सा, कभी पुलिस पे गुस्सा, कभी गवर्नमेंट पे गुस्सा, कभी स्टेट गवर्नमेंट पे गुस्सा, कभी अपने किसी एम्प्लॉय पे गुस्सा। तो ये जो डिनायल की स्टेज जब खत्म भी पूरी नहीं होती है तो हमारी एंगर की स्टेट आ जाती है, डंडा फिलोसफी, इसको याद रखिएगा डंडा। तो सेकंड, जब एंगर किसी तरह जब खत्म होता है उसके बाद हम रियली स्टार्ट करते हैं अपना नेगोशिएशन, और हम देखते हैं अच्छा यार अब क्या है प्रॉब्लम, मेरा कस्टमर मेरे साथ है कि नहीं है, मैं कितने पानी में हूँ, मेरी कितने किस्तें डिफॉल्ट हो गई, अब मैं कितना इंटरेस्ट बर्डन मेरा बढ़ गया, और अभी जीएसटी मुझे जून में जमा करनी है, उसमें अभी शॉर्टफॉल हो रही है। ये सारा चीज जब आप एंगर के स्टेट से निकलते हैं तब ये नेगोशिएशन करना शुरू करते हैं, विवेक लगाना शुरू करते हैं, इन परेशानियों को कन्फ्रंट करना शुरू करते हैं, इसको डंडा का थर्ड एन DAN नेगोशिएशन। जब ये कर लेते हैं और डिनायल की स्टेज आपकी खत्म हो गई, आपने एंगर की स्टेज पूरी खत्म नहीं हुई पर आपने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, और मैं दोबारा बोल रहा हूं थोड़ा सा रिवाइंड में चलिए अपने पिछले 2 महीनों में, और आपको दिखेगा कब कब मैं डिनायल में था, कब मैं एंगर में था, कब मैं नेगोशिएशन में आया। और मैं इस समय, आप में से कोई कह सकता नहीं तो मैं तो अभी तक नेगोशिएशन में ही हूं, कोई नहीं मेरे को नेगोशिएशन पार हो गई, मेरे को डिप्रेशन हो गई। तो नेक्स्ट स्टेज आती है डंडा की, डिप्रेशन की स्टेज। तो डिप्रेशन होता है, मायूस हो जाता है आदमी, अरे यार अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो कोई बेकार है, जो पांडव की स्टेट थी डिप्रेशन में आ गए थे, तो वो कुछ होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, बेटा भी साथ में नहीं आ रहा है, वो भी अपने यू गेट इन टू इतनी परेशानी है, मैं अकेला हूं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन होते हैं। उसके बाद आपका लास्ट स्टेज जो आता है वो आता है डंडा का लास्ट ए, वो इसलिए अलग लिखा है मैंने उसको, वो एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है। ये ग्लोबल मॉडल है, इसको मैंने नहीं बनाया है, इसको मैंने अडॉप्ट किया है, इसको मैंने कई लोगों को काउंसिल किया है इस पे। एक हमारी एम्प्लॉय थी, वो उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया था, और वो कई काउंसलर के पास गई और वो कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि सब लोग उसको गोटी पिला रहे थे, वो उसका माइंड के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा 2 महीने में रिवाइंड करके चलिए और देखिए कब आप डिनायल में थे, कब आप एंगर में थे। आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं नहीं मैं तो एंगर में कभी नहीं था, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। आप, आपकी वो स्टेज आ गई है कि आपने फटाफट से डिनायल से कट कट करके आपने एंगर कट कर दिया, नेगोशिएशन कट कर दिया, डिप्रेशन कट कर दिया और सीधे आप एक्सेप्टेंस पे आ गए, ये भी हो सकता है। और अगर ये हो गया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, फिर तो आपकी प्रॉब्लम समझो खत्म है। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी भी विपरीत स्थिति से निकलना है तो हमें एक्सेप्टेंस की स्टेज पे आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे भी है, और मैंने सिर्फ वो स्लाइड चुनी है जो कि वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डूएबल, जो कि आप लोग इस समय भी और बाद में भी आप अपने माइंड को रिवाइंड करके देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट पाथवे है ग्रोथ का। सबसे पहले अपना कर्म,
अपना पावर है उस क्रम में, अगर हम आज का काम आज ही कर दें और उसको कल तक ना छोड़ें, और हम उसमें ये मैं गीता के सार पे नहीं जाता हूँ क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है वो उसको करना, पर हम आज का कर्म कर लें, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद हम सकारात्मक एटीट्यूड रख लें कि हम भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, हम अपनी बिजनेस को दोबारा खड़ा कर रहे हैं, ना कि अरे यार अब इस कोविड की वजह से मुझे तो ये करना। तो वो एटीट्यूड जो है, जिस एटीट्यूड से हम स्माइल करके अपने ऑफिस आएंगे, हमारा दिन हल्का आधा उस पॉजिटिव एटीट्यूड से हो जाएगा। हमारी जो माइंड जर्नी है, हम जो संयम लगाएंगे अपने नेगेटिव इमोशन पे, हम जो संयम लगाएंगे अपने वरी पे, हम जो संयम लगाएंगे अपने चिंता पे, अपने प्रॉब्लम्स पे, हम पॉजिटिविटी को जो पहले हमने यूज किया उसको हम यूज करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, अफर्मेशन करेंगे, तो वो हमारा तीसरा पड़ाव हो गया। और उसके बाद फाइनली हम जब इसको एक्सेप्टेंस कर लेंगे, हम जब स्वीकृति दे देंगे कि जो है, जो विपरीत स्थिति सामने सबके साथ है, वो अब मैं उससे लड़ नहीं रहा हूं, अब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने स्वीकृति दे दी है और अब मैं जीतूंगा, तो ये जब चार स्टेप्स हो जाएंगे तो सर आप लोग विश्वास मानिए कि आपकी रोड बन गई, आपकी रोड बन गई। आप कोई मारुति चलाएगा, कोई मर्सिडीज चलाएगा, पर आपकी रोड सबकी सेम बन गई। ये चार पॉइंट स्टेप्स हैं और चार बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही डायग्रामेटिकली मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, आपको बहुत टाइम तक ये याद रहेगा। अब मैं खाली सिंपल मोटिवेशन और वो ना देके मैं कुछ प्रैक्टिकल और 5-7 मिनट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जो आप करेंगे तो आपकी, मैं 99% आपकी बिजनेस 1.5 साल बाद बेटर हो जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ये मेरे मॉडल्स हैं, मैंने बनाए हैं इनको एंड बहुत जगह मैं बात कर रहा हूँ और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए आज प्रॉब्लम है तो हम जरूर आज फायर फाइटिंग कर रहे हैं, सब लोग, मैं भी आप भी, सब लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपना अगले महीने की किस्त ढूंढ रहे हैं, जीएसटी का रिटर्न जून में आ रहा है, उसका एक्सटेंशन नहीं मिला है, कहाँ से लोन मिलेगा, गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ बोलती है, प्रैक्टिकली तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये वो सब चलता रहेगा, आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे। पर मेरा ये है कि आपसे आग्रह है कि चाहे 10% टाइम, चाहे 20% टाइम, चाहे 25% टाइम, कम से कम 10-25% टाइम आप 18 महीने बाद के लिए भी लगाइए प्लीज। अगर फायर फाइटिंग करते रहेंगे तो जिंदगी भर आप फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, आज के लिए ही जिएंगे। अगर हम आज से 90% ऑफ टाइम हम फायर फाइटिंग में लगा रहे हैं बट 10% ऑफ टाइम हम एनविजन कर रहे हैं कि मेरी बिजनेस 18 महीने बाद कहाँ होगी, आज मैं 2 करोड़ के लेवल पे हूँ तो मैं 3 करोड़ के लेवल पे हूँ, वो जो पावर ऑफ ड्रीम है, और जब उसके लिए जो मेहनत हमें आज से करनी पड़ेगी कि 18 महीने बाद हमें आगे बढ़ना है, तो वो जो नया चीज बनाएंगे वो बहुत जरूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग सब फायर फाइटिंग में लग जाते हैं और अपना 1% टाइम भी नए दिशा पे नहीं काम कर रहे हैं, तो ये जरूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, और मैं कई एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हूँ, जाता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, उनके साथ स्टडी ग्रुप्स भी करता हूँ, पूरे मुरादाबाद क्लस्टर में एक एक क्लस्टर में जाके हमने काम किया है। तो 90% लोग क्या कर रहे हैं इस समय, जो बहुत जरूरी चीज भी है, कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, हम अपना ओवरहेड्स को रिड्यूस कर रहे हैं, हम सारा टाइम अपना 90% ऑफ टाइम एनर्जी अपने कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट मैनेजमेंट में लगा रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है। और अगर आप भी कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने एम्प्लॉयज की भी सैलरी कम करी क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए इस समय जरूरी है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। पर अगर हम कॉस्ट मैनेजमेंट ही करते रहे तो फिर 1 साल निकल जाएगा, हम एक स्टेज पे आ जाएंगे कि और कॉस्ट हमारी रिड्यूस होंगी नहीं,
जितनी बिजली का बिल आएगा वो आएगा, जितना सैलरी आएगा वो आएगा, जितना फाइनेंस कॉस्ट आएगा वो आएगा, एक स्टेज आ जाएगी बहुत जल्दी हम लोग कॉस्ट कुछ कम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए उस समय हम देखेंगे कि यार अब क्या करें, तो इसलिए आज से क्यों ना हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में भी इवन 1 लाख, इट में भी इवन वट एवर, हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना इनोवेशन की तरफ करें कि क्या हम नया कर सकते हैं, क्या नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या नया पैकेजिंग बना सकते हैं। हम कॉरोगेटेड बॉक्स में ये करते हैं, पर अगर हम जाके किसी उससे बात करें कि यार तुम इसमें कोई स्पेशल पैकिंग करते हो, कोई बॉटल्स वाली पैकिंग करते हो, तो क्यों ना इस टाइप का आप ये पैक ले लो, क्यों ना खाली गत्ता ले लो, इस टाइप का पैक ले लो, जो आप लोग सोच ही रहे हो उसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दें। इनोवेशन करना अपने प्रोडक्ट में बहुत जरूरी है, दूसरा आपके प्रोसेस में। मैंने कई क्लाइंट्स का प्रोसेस स्टडीज करके मैंने उनको 20% 30% सेविंग्स कराई हैं जस्ट बाय इनोवेटिंग ऑन देयर प्रोसेस। और ये सजेशंस जरूरी नहीं है कंसल्टेंट लाए या मालिक लाए, कई बार ये सजेशंस हमें शॉप फ्लोर पे वर्कर से मिलती हैं। तो इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए अपनी कंपनी में कि मैं कल से कुछ नया कर रहा हूं, इस पे इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी ओनली मनी इन्वेस्टमेंट, इट मे बी अ माइंडसेट। आप किस तरह से अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने लेबर से बात कर रहे हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट प्रोसेस और रॉ मटेरियल एंड बिजनेस मॉडल, ये चार तरह की इनोवेशन होती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट इनोवेशन जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस इनोवेशन जब आप अपने प्रोसेस को वो कर रहे हैं, आपके प्रोसेस में 20% वेस्ट है, आपने उसको 10% पे ले आए कुछ प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके, आपका 10% वेस्ट हो गया, तो आप कर रहे थे इनोवेशन, ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया। पूरी इंडस्ट्री में विश्वास मानिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये यूरोप में हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे, और एक यूरोप में 2002 या 2003 में ये स्टैंडर्ड आया, रिडक्शन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस ROHS एक्ट आया, तो इंडस्ट्री पूरी ऐसे बिखर गई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो हम लोग आए, हमने 500 सेमिनार्स करी एलसीना के बिहाफ पे, और हमने लोगों को बोला कि यार आप ही को ये मजबूरी है, ये तो आपको करना ही है, इनोवेशन आपको करना ही है, लेड हटाना ही है आपको, नहीं तो आपकी चीज बेकार हो जाएगी। अब वो लेड हटाते हटाते अब एक साल बाद जब 2005 या 2006 में हमने सेमिनार करी, तो लोगों ने बताया साहब आपकी बात हमने मानी, और ना सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर पाए पर साथ में हमें इतनी कॉस्ट सेविंग भी मिली। तो इनोवेशन हमेशा अगर आप सही करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इनोवेशन पे सेपरेट आपको एक क्लास दे सकता हूं कि प्रोडक्ट प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड बिजनेस मॉडल, ये इस पे सोचिए एंड आपको बहुत गेन्स मिलेंगे। तीसरा, ये एक मौका मिला है सर कि हमें अपने लोगों को, हम हमेशा हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, तुम करो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये हमारी फिलॉसफी रही है, आपने भी वही किया है, मैंने भी वही किया, हम सोचते हैं हम बेस्ट हैं, हम भगवान के बाद हम पैदा हुए और हमें मालूम है ये कैसे चलना चाहिए, और हम लोगों की पावर को हम यूज नहीं करते हैं, और हम उनको बार बार बोलते हैं कि, और हम अपना कल्चर बना लेते हैं कि लोग हमारे जैसे हम कहते हैं उनको वो करते हैं चुपचाप, ये तो ठीक है, ये तो चलेगा, ये तो सृष्टि का नियम है कि जो ऊपर होगा वो नीचे को बोलेगा तो वो काम होगा, बट साथ में हम थोड़ा सा अपना इस लेबर मैनेजमेंट में, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, मैं इवन लेबर मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं करा चुका हूँ कंपनीज में, एक गाजियाबाद में एक कंपनी है बेंचमार्क कंपनी, किसी को भी अगर मालूम है सेक्टर में सबसे बड़ी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कंपनी है, तो उसमें हमने लेबर के साथ हमने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे किया, और हमने उनमें इंट्रोड्यूस किया कि यार आपको यहाँ काम करने में क्या प्राइड है, सैलरी तो मिल रही है पर आपको खुशी हो रही है यहाँ के नहीं, आपको गर्व महसूस होता है कि मैं माइक्रोमैटिक क्या काम करता हूँ कि नहीं, और उसके लिए हमने तरीके बनाए, और इतने सजेशन स्कीम्स आए, इतने आइडिया फैक्ट्रीज चले, उसमें इनोवेशन भी हो गई, और लोगों को लगने लगा मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, और पूरे जगह लेबर की कोई स्ट्राइक होगी, इनके यहाँ कभी स्ट्राइक नहीं होगी, ये ऐसा बंदा हुआ लेबर है, वो
वो काम कर रहा है, और लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, गाजियाबाद के लेबर की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी चीज, मैं थ्योरेटिकल, मैं एमबीए तक नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं आपको जो जो स्लाइड बता रहा हूँ मैं करा चुका हूँ लोगों को, एक एक साल के प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे और हम उनको अचीव करते हैं। तो ये आप करिए कि अपने लिए ये तो करना ही है कि जो हम बोल रहे हैं वो तो लोग कर रहे हैं, उस पर बहसबाजी ना करें, पर साथ में हम अपने लेबर मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज करें, उनके उनको भी एक आदमी की तरह देखें, उनमें एक प्राइड ऑफ वर्किंग को इंट्रोड्यूस करें, तो वो हमारे लिए अपने मन से काम करेगी, अपने सजेशंस देगी जो आज शायद उनके माइंड में है, शायद वो दे नहीं रहे हमें क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम देंगे मालिक पता नहीं कैसे बात करेंगे। हो सकता है आप में से कोई ऑलरेडी कर रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर रहे होंगे, पर अगर जो नहीं कर रहे हैं वो जरूर इसको अडॉप्ट करें क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करा चुका हूं इसको। चौथी चीज है हम लोग प्रेशर मैनेजमेंट में वही कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, हम लोग प्रोडक्टिविटी को पुश करते रहते हैं। आज हमें 1000 बॉक्सेस निकालने हैं इस शिफ्ट में, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट क्या है, हम ये देख रहे हैं किसी तरह 1000 पूरा हो जाए। अब अगली दिन आ गया फिर हमारा ओरिएंटेशन रहता है यार 1000 बॉक्सेस निकलो किसी तरह, अरे वो टेप नहीं, अरे तू टेप लेके आ, भाग क्या, तो ऐसे करके लोग हम हमेशा, आई एम नॉट सेइंग ऑल बट ये मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में देखता हूँ कि बस वो गोल, किसी ने बोल दिया कि वो गोल के पीछे भागो, तो ठीक है वो गोल प्रोडक्टिविटी का गोल के पीछे भाग रहे हैं, प्रेशर मैनेजमेंट से काम हो रहा है। एक बार हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा पीछे के देखेंगे और हम ये देखेंगे यार हम हमारी बिजनेस में ये क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप ये स्वतः है क्यों नहीं हो रहा है, कोई कंस्ट्रेंट्स होंगी हमारे सिस्टम में। जो आप अगर आप में से किसी ने लीन कंसल्टेंट को लगा रखा है तो वो आपके आपके फैक्ट्री में बता देंगे कि यार आपकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपके हो सकता है मटेरियल मूवमेंट में, हो सकता है मारुति बड़ी बड़ी कंपनी है पर मारुति ने करीब 2005 में जब उसका 57 करोड़ रुपीस उसने सेव किया था जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग कंस्ट्रेंट्स कि मेरे लेबर को 4 स्टेप ज्यादा चलनी पड़ रही हैं, इसको मैं अगर बिन को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो मेरी 3 स्टेप में ही काम हो जाएगा। ऐसे करके पूरा आप एक मुकाम चलाएंगे और आपको ये कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे अपने फैक्ट्री में तो आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी और स्मूथ वर्कफ्लो मिलेगा और आपकी सेम कैपिटल के अंदर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो आप 1000 डब्बे बड़ी मुश्किल से बना रहे थे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल शिफ्ट करके आपने 1200 डब्बे बना लिए। आप में से जरूर किसी ने किया होगा तो वो शेयर भी कर सकते हैं और इससे बहुत बेनिफिट होता है। और लास्ट चीज मैं, क्योंकि आप सब लोग साथ में हैं और एक मौका मिला है, हम लोग एक दूसरे के कंपटीशन में है, नो डाउट अबाउट दैट। हम लोग अपना यूनिट चला रहे हैं, कोई दूसरा भाई अपना यूनिट चला रहा है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं बट हम जब बिजनेस है तो हम फाइट करते हैं एक दूसरे से। अब एक सिचुएशन आ गई कि हमने थोड़ा सा अपनी प्राइस नेगोशिएट करी या हमारा कस्टमर की ज्यादा डिमांड आई और हमें ज्यादा डिमांड आ गई और हमारे पास अब फैक्ट्री है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट में 2 मशीन और लगाएंगे। अब क्या हुआ, हमने कैपिटल लगाया अपना, फिर हमने लोन लिया उसको करने के लिए, जबकि बगल में किसी के पास एक अनयूटिलाइज्ड फैक्ट्री होगी, उसके में कैपेसिटी खाली है, उसका लेबर भी खाली है और वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो ये तरीका है कोऑपरेशन का कि कॉम्पिटिशन भी हो और कोऑपरेशन भी हो। तो ये नया वर्ड आया है इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन, हम साथ में रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। इसका भी मैं आपको मिसाल बता दूं कि ये जो इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री है इंडिया में, ये अगर यूरोप में सर अगर 1000 यूरो का सामान भेजते हैं तो इनका सामान रिजेक्ट हो जाता है और इनको 1200 रुपए का यूरो का बिल मिल जाता है कि हमें आपके प्रोडक्ट की डिस्ट्रक्शन करनी पड़ी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ी, तो आपने ये 1000 का बिल के अगेंस्ट हमने आपको बिल दे दिया 1200 का और तब तक वो चाइना से माल ले रहे हैं। तो अब हमने उनके लिए, हमने उन सब लोगों को इकट्ठा किया और हमने कहा अब आप लोग सब साथ मिलके काम करेंगे
हर एक बंदा अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएगा, हमने एक डीपीआर बना दी है, अब वो एक कॉमन फैसिलिटी मिलेगी, हर एक बंदा उसको 2 घंटे रोज यूज करेगा और अपना अपना प्लेटिंग कराएगा, अपना अपना हीट ट्रीटमेंट कराएगा, अपना अपना वो करेगा। तो अब सब लोग अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अलग लड़ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, पर जब काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टुगेदर कर रहे हैं और एक हैप्पी तरीके से कर रहे हैं और विदाउट इन्वॉल्विंग कैपिटल कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मशीन लेने की जरूरत नहीं है, अगर भाई बगल में उसका फैक्ट्री अनयूटिलाइज्ड है, हमने उसको थोड़ा सा काम दे दिया लोडिंग में, शायद ये भी आप कर रहे हो, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है और मैं इसको जरूर एम्फसाइज करना चाहूंगा। तो ये सर मेरे समरी हो गई कि हमने पहले अपना कर्म करना है, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड और सकारात्मक रहना है, हमने एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए हमने अपना रास्ता बनाना है और हम डंडा फिलॉसफी में जरूर जल्दी से जल्दी हम एक्सेप्टेंस पे आ जाएं। तो हमारी रोड तैयार हो गई, उस रोड तैयार होने के बाद हमने ये 4-5 प्रैक्टिकल स्टेप्स किए, जिसको कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सिंपल, वेरी सिंपल डूएबल स्टेप्स, इससे सिंपल कोई स्टेप्स नहीं मिल सकते आपको कि ये करना है हमने, और अगर ये कर लेंगे तो मैं समझता हूँ 1 से 1.5 साल के बीच में आपकी बिजनेस कोविड के डिस्पाइट कोविड आपकी बिजनेसेस बहुत आगे निकल जाएंगी। अगर कोविड नहीं होता तो आपकी बिजनेस मान लो 20% पे राइज होती, तो ये कोविड के बावजूद आपकी बिजनेस 25% पे राइज होगी, ये मेरी अश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है। और मैं 35 साल का 36 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस हो गया है और उसमें से मैं 25 साल से कंसल्टिंग में ही हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि बट मैं 1962 में मेरा जन्म हुआ था, बट जस्ट फॉर यू टू टेल यू कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में बनाए हैं। मैं अपनी 86 में मैं मेनिनजाइटिस हो गई थी मेरे को और मैं 19 डेज कोमा में था और आज आपके सामने हूँ। तो ये एक पावर ऑफ गॉड और पावर ऑफ ये जो प्रिंसिपल्स मैंने यूज किए। 91 में सर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया पूरी रीबूट करके और 2000 में मेरे पार्टनर ने हमारे ही क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया और उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे लास्ट मिनट पता चला कि मेरे पार्टनर ने मेरे को धोखा दे दिया है और उसने मेरे क्लाइंट को ही ज्वाइन कर लिया है। तो मेरी पूरी बिजनेस ढेर हो गई और मैं आई वॉज फोर्स टू सेल आउट माई कंपनी क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी कंपनी तो मुझे अब आज 40 साल की उम्र पे मुझे अपने आप को रिबूट करना पड़ा। पहले रिबूटिंग मेरी 30 साल की उम्र में थी जब मैं अच्छा खासा मैनेजर था, फास्टेस्ट राइजिंग मैनेजर इन L&T, और उसके बाद ये हो गया। अब 40 साल की उम्र में विश्वास मानिए मैंने उस समय इतना मैं पजल था कि यार अब मुझे रीबूट करना है अपने आप को। मैंने 2 पर्ची डाली, बाबा के सामने रख दी, डू बिजनेस डू जॉब, मैं इतना परेशान था लाइफ में, और बाबा ने मुझे बताया कि डू बिजनेस। और मैंने अपने वाइफ से पूछा भाई कुछ पैसे हैं, घर चल जाएगा? तो उसने कहा हाँ 2 महीने चल जाएंगे। 2002 में 40 साल की उम्र में अकेला, जबकि 10 साल से मैं 91 से 2000 में पार्टनरशिप में था, मैंने रीबूट किया अपने आप को और आज मेरी कंपनी ग्लोबल कंसल्टिंग कर रही है, 80 फॉरेन फर्म्स को मैं इंडिया में ला चुका हूँ। और 2013 में मैंने अपना जितना पैसा कमाया, विश्वास मानिए सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जितना पैसा कमाया मैंने एनालिटिक्स डिवीजन खोला। मैंने कहा फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग इज गोइंग टू बी एनालिटिक्स, तो मैंने एक एनालिटिक्स डिवीजन खोल दिया, नया ऑफिस ले लिया, सब कुछ किया मैंने, और 1 साल के अंदर वो सब ढेर हो गया। मुझे घर चलाने के लिए अपने फ्रेंड से पैसे लेने पड़े और मैंने फिर अपने आप को रीबूट किया और आज 2020 में आपके सामने हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैं आपको एज अ कंसल्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ गाइड नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ ट्रेनर नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ कहानी है। मैं कर चुका हूँ इनको, मैं गेन कर चुका हूँ इनसे, और मेरे ख्याल में अगर मेरे वर्ड्स में सच्चाई है तो आप में से अगर 20% बंधु भी इसको अडॉप्ट करेंगे
और इसमें से फायदा लेंगे तो आई थिंक एक बहुत कलेक्टिव पावर हम जनरेट करेंगे अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने बहुत पेशेंटली मेरे को सुना इतनी देर, और मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने इससे कुछ बेनिफिट लिया। धन्यवाद संजय भाई, आपने इतना समय लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी उद्यमी भाई यहां पर आपको सुन रहे हैं उनको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ डायरेक्शन मिली होगी, खासकर आपके डंडा फिलॉसफी से। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर राजेश गुप्ता जी है प्रेसिडेंट हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना कुछ कोई क्वेश्चन हो या कुछ कहना चाहे तो कृपया उनका ऑर्गेनाइजर्स उनका ऑडियो ऑन कर दे सो दैट वो बात कर सके यहाँ पर। His audio is on, unmute, so you can speak. I'm audible, sir? Yes, sir. Dr. Rajesh Gupta, namaskar, Sanjay ji. Namaskar, sir. Namaskar. बहुत अच्छा, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैं आपकी सारी बातें सुनी, बड़ा मोटिवेशनल है और मेरे शब्दों का आपको केवल मतलब सूरज को दिया दिखाने बराबर की बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं कहे, हम लोग सब साथ हैं और सब तुम्ही भाइयों का बेनिफिट ही है। तो इस मामले में कंसल जी और सुरेंद्र जी का प्रयास बड़ा सार्थक रहा है, आपकी मेन माइंड एंड बिजनेस तीनों बातें सुनी, और ये जो कोविड एरा है इसमें कैलिब्रेटेड वे में हमको अपनी लाइफ जीना है और कैलिब्रेशन से ही सारा काम चलना है। चूंकि हम फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कैलिब्रेशन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी के साथ में तभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हृदय से, और सभी भाइयों को बहुत नमस्कार मेरा, धन्यवाद जी। कोई और अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या संजय नागी जी से कुछ और क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो मुझे लगता है कि अभी उद्यमी भाइयों का लंच का टाइम हो गया होगा, तो हम इसको ज्यादा आगे ना लेकर के सुरेंद्र जैन जी से, जो स्टेट प्रेसिडेंट है HPCBMA और जिनके प्रयासों के कोशिश के कारण ये आज हम मिलकर के कर पाए हैं। जैसे शुरू में राजीव कंसल जी ने कहा था कि भी उन्होंने वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ मोटिवेशनल स्पीच हो, तो उन्होंने जैन साहब को ये ड्यूटी दी और जैन साहब ने फिर हमारे साथ मिल करके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र जैन जी से कि एक थैंक यू नोट करें। धन्यवाद राज जी, धन्यवाद संजय नागी जी, और हमारे पीछे संजीवन जी हैं जो सब मैनेज कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी हैं स्टाफ में पीछे, रचना जी भी हमारे को पीछे कंट्रोल कर रही हैं सब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज जी के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी और उन्होंने ये सब कार्यक्रम करने में अपनी मेन भूमिका निभाई है, और संजय नागी जी ने तो आपके सामने पूरा एक घंटा लगाया है लेक्चर में, और उन्होंने अपने जीवन के जो ऊंच नीच के दौर थे, जहाँ पे वो एक बार फ्लैट हो गए थे और फिर दोबारा खड़े हुए, फिर फ्लैट हुए, फिर दोबारा खड़े हुए, वो दौर आपको समझाए हैं। तो मेरे ख्याल से जो कोविंद का दौर अभी आया है और इस दौर में सभी लोग हम ये महसूस शायद कर रहे हैं कि हम दोबारा कैसे चलेंगे, या इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, ब्याज इंटरेस्ट का बर्डन या लेबर का बर्डन हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। और संजय नागी जी तो उससे बहुत नीचे चले गए थे, यानी वो घर का खर्चा बात कर रहे थे कि मैंने अपने फ्रेंड से, तो हम अभी उससे बहुत ऊपर है मेरे ख्याल से संजय नागी जी से, तो हमें उस दौर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, इतना ज्यादा मतलब उसमें कमी नहीं आई है, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हैं हमारे साथ, तो झंडे हमारा झंडा आगे लेकर पूरे वर्ल्ड में वो लगे हैं, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर निकाल के लाएंगे कि जो छोटे उद्यमी
आज ये महसूस करने लगे हैं कि हम शायद कैसे अपनी फैक्ट्रियों को चलाएंगे, वो शायद रास्ता कोई ना कोई निकाल के लाएंगे। और जैसे कि उन्होंने अभी लघु उद्योग के लिए एक पैकेज भी दिया है, उस पैकेज में बहुत सारी पूंजी और बर्डन्स जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट के आए हैं, इंस्टॉलमेंट के आए हैं, उनको लिंगर ऑन करने के लिए उनमें से कुछ रास्ते हम निकाल सकते हैं अपने को सर्वाइवल करने के लिए। तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि अभी आप उन रास्तों पे जाएं और अपने को संभाल के खड़ा करें वापस। और हमारे अंदर वो शक्ति है, जैसे कि संजय नागी जी ने बताया कि हमारे अंदर वो एनर्जी है कि हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर तभी बनते हैं जब हमारे अंदर शक्ति होती है, जैसे कि संजय नागी जी ने बताया। तो अगर हमारे अंदर वो शक्ति ना होती तो शायद हम वही संजय नागी जी का कहना कि हम कहीं नौकरी करते हुए। तो इसलिए मैं संजय नागी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी सोई हुई जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर एक एनर्जी है सोई हुई, उसको वापस जगा दिया है। और मेरे ख्याल से जो लोग आज जुड़े थे वो लोग अपनी इस सोई हुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और वापस खड़े होने में दोबारा से अपनी लीडरशिप को मार्केट में दिखाएंगे। तो मैं संजय नागी जी का दोबारा से धन्यवाद करता हूं और राज जी का भी दोबारा से, और मैं राज जी से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद हम इस बार ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि हिमाचल में ये मोटिवेशन लेक्चर्स का ट्रेंड हमने पहली बार किया है ये एफर्ट, तो शायद लोगों को इसकी अहमियत और इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाई, या मिली है तो उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे ख्याल से जो आज लोग 60-65 लोग जुड़े थे, जो वो मार्केट में सर्कुलेट करेंगे कि भाई ऐसा कुछ प्रयास किया गया था लघु उद्योग भारती और गत्ता उद्योग की तरफ से, तो शायद अगली नेक्स्ट बार हम लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो मैं शायद संजय नागी जी से और राज जी से दोबारा से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो शायद हमें दोबारा उन्हें परेशान करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। ये वेबिनार हम आज खत्म करते हैं। आप लोगों का यहाँ पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।